दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने आवास शौचालय न मिलने से परेशान होकर जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हर गरीब मिलेगा पक्का आवास, हर घर में शौचालय, लेकिन क्या वाकई निचले स्तर पर यह योजनाएं पहुंच पाती हैं? निचले स्तर पर लगातार ग्राम प्रधान और शक्तियों पर आरोप लगते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला आज जिला अधिकारी कार्यालय बांदा में बांदा जिले के विकास खंड महुआ की ग्राम पंचायत खानपुर की लगभग 50 महिलाओं ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया कि ग्राम प्रधान को रुपया न देने से सभी को अपात्र कर आवास नहीं मिल पा रहा है। आज सभी ने बांदा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी बांदा से आवास और शौचालय की मांग की गई है। इस मौके पर शोभा चुन्नी, सरोज देवी, माया देवी, रेखा देवी, निर्मला, आशाराम देवी आदि लोग शामिल रहे। बांदा से लाइव टीवी समाचार के लिए आशा देवी की खास रिपोर्ट। संगीता जी कहाँ से आई हैं? हुसैनपुर कला से। क्या समस्या लेके आई हैं? समस्या लेके ये आई कि हमको आवास मांगते हैं तो आवास देते नहीं, ये जो कोई घूस देता है उसी को दे देते। कौन नहीं दे रहा है? प्रधान ना पंचायत में। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम है संतराम। कहाँ का प्रधान है? हुसैनपुर का। इसके बारे में आपने वहाँ के सचिव को बताया? पंचायत में तो बताया है, उसकी पत्नी है प्रधान है। प्रधान है पूनम देवी। ठीक है, कोई अरे उसको बताया है, पंचायत में किसको बोला तो वो कहता है अभी तुम्हारी एससी की कॉलोनी नहीं है, तुम्हारा नाम हट चुका है। कितनी औरतें होंगी तुम लोग मिला के? हमारी पूरी महिला है। महिला है। क्या डीएम साहब से मिली, क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब कह रहे हैं कि जांच करेंगे, जब बताएंगे लिस्ट में नाम होगा तुम्हारा तो मिलेगी। हम वहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा लिस्ट से नाम हट चुका है। मैडम आपका? मेरा नाम है सरोज कुशवाहा, मैं भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा हूँ। मैं उस गांव में सर्वे करने गई महिलाओं के साथ कि मेरे महिलाओं को क्या समस्या है। वो जब वहाँ मुझे फ़ोन करके बुलाया गया तो इन्होंने महिला ने बताया कि हमारा जो आवास है तो हमारे नाम का आवास प्रधान एक दूसरे आदमी को दे देता है और दूसरे का आवास हमको कह रहा है कि आप पैसा दीजिए हमें 20,000 रुपये जब ही आपको आवास मिलेगा। तो इन लोगों से मैंने निर्णय रखा कि एक बार आप चल के मेरे साथ डीएम कार्यालय में डीएम साहब को अप्लीकेशन दिया जाए, यदि हमारे बात को स्वीकार नहीं होगा तो हम महुआ ब्लॉक में धरना रात न दिन का महिलाएं मिलके रखेंगे। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन। नमस्कार।